हेलो स्टूडेंट्स, आज बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन की क्लास में मैं आपको वैदिक कालीन शिक्षा में आगे के पाठ के विषय में बताने जा रही हूँ। इससे पहले वैदिक कालीन शिक्षा में मैं आपको शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम इत्यादि के विषय में बता चुकी हूँ। आज की क्लास में मैं बात करूंगी वैदिक कालीन शिक्षा में नेक्स्ट टॉपिक है जो अनुशासन। वैदिक कालीन शिक्षा में अनुशासन कैसा था, तो मैं आपको बता दूं वैदिक कालीन शिक्षा में बालकों को कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था। छात्रों को संयम नियम में रहना जरूरी था, साथ ही साथ कठोर नियंत्रण भी हुआ करता था। और ये नियंत्रण दो प्रकार का होता था, एक होता था आत्मनियंत्रण और दूसरा बाहरी नियंत्रण। आत्मनियंत्रण से तात्पर्य है जिसमें बच्चा अपना खुद नियंत्रण रखता था, जैसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से किस तरह वह अपने आप पर कंट्रोल कर सकता था, कितना नियंत्रण खुद पर कर सकता था, चोरी ना करना, नशीली वस्तुओं को हाथ ना लगाना, मादक पदार्थों का सेवन ना करना, इस तरह की जो चीजें थी वो आत्मनियंत्रण के अंतर्गत आती थी। और बाहरी नियंत्रण से तात्पर्य था गुरुओं की सेवा करना, गुरु ने जो कहा है उसको सत्य मानना, उसका पालन करना, गुरु के द्वारा बताए गए नियमों को अच्छी तरह से अनुसरण करना, ये सारी चीजें बाहरी नियंत्रण के अंतर्गत आती थी। इस तरह से गुरुकुल में छात्रों को बहुत ही कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था, साथ ही साथ अनुशासित रहने की भी आवश्यकता थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपनयन संस्कार। आपको याद हो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि संस्कार 110% एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका उपनयन संस्कार हो, समावर्तन हो या बौद्ध काल में आगे जो संस्कार पढ़ेंगे उसमें। तो उपनयन संस्कार की बात करते हैं। उपनयन का अर्थ है गुरु के समीप लाना। सबसे पहले ये जानते हैं कि उपनयन संस्कार होता क्या है और ये क्यों किया जाता है। गुरुकुल में जब बालक प्रवेश लेने जाता था शिक्षा के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब बालक गुरुकुल में जाता था तो सबसे पहले उसका यह संस्कार से गुजरना पड़ता था, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना। इसमें बालक को उसके माता पिता गुरु के समीप ले जाते थे और उसके घरेलू वस्त्र उतारकर वहां पर गुरुकुल के वस्त्रों को पहनाया जाता था। इसके पश्चात उसे गुरु के सम्मुख उपस्थित किया जाता था। गुरु भी छात्र को श्रद्धा पूर्वक जो है अपनाता था और साथ ही यज्ञ, पूजा, हवन आदि के द्वारा शुद्ध करता था। और इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि कुछ विद्वानों ने कहा है कि इसके बाद गुरु पूछता था कस्य ब्रह्मचारी असि, अर्थात तुम किसके शिष्य हो। तो शिष्य यानी बालक जो है वो उत्तर देता था भवतः, मीन्स आपका। और इस तरह से जो है इस संस्कार के बाद बालक जो है गुरुकुल का एक सदस्य बन जाता था और वहां पर शिक्षा ग्रहण करने लगता था। वेरी इंपॉर्टेंट है उपनयन संस्कार, जरूर इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं समावर्तन संस्कार की। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है वापस घर को आगमन। आपको याद हो मैंने जब शिक्षा के स्तर के विषय में बताया था तो बताया था प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। शिक्षा के दो स्तरों के विषय में मैंने बताया था, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद यदि छात्र को लगता है या छात्र की रुचि या योग्यता है कि वह आगे की शिक्षा ग्रहण करे उच्च शिक्षा, तो इसके लिए उसे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान किए जाते थे। लेकिन अगर छात्र प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर को जाना चाहता था तब उसका यह संस्कार होता था। इसीलिए समावर्तन का अर्थ क्या है, वापस घर को आगमन, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब बालक घर के लिए लौटता था तब उसका यह संस्कार किया जाता था। इसमें गुरु जो है बालक के जो आश्रम के वस्त्र होते थे उनको उतार कर वह नए वस्त्र प्रदान करता था और बालक उन्हीं वस्त्रों को पहनकर वापस घर को जाता था। साथ ही साथ गुरु अपने कुछ नियम और सिद्धांतों को बताता था, बेटा कभी भी असत्य मत बोलना, सदा सदाचारी रहना, इस तरह के कुछ
गुरु दक्षिणा स्वरूप वचन बोलता था और शिष्य उनका पालन करने का उसकी शपथ लेता था। इस तरह से ये समावर्तन संस्कार होता था। नेक्स्ट बात करते हैं गुरु शिष्य संबंध की। मैंने इसके विषय में पहले भी बताया हुआ है कि वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध बहुत ही पवित्र माना जाता था, क्योंकि गुरु भी जो होते थे वो छात्र को अपने पुत्रवत प्रेम करते थे और इसी तरह से छात्र भी गुरु को पितृवत प्रेम करते थे। मीन्स दोनों में एक तरह से आत्मीय संबंध स्थापित हो जाता था और दोनों ही एक दूसरे को पिता पुत्र की भांति प्रेम किया करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग है हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष। ये आपकी लास्ट हेडिंग है। इसके विषय में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया है। आपको इसको लास्ट में खुद कंक्लूजन निकालना है कि इसके गुण और दोष क्या है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, बाकी ये आपके लिए होमवर्क है कि इसको आप खुद देखिए और वैदिक शिक्षा प्रणाली के क्या गुण और दोष आपको समझ में आए हैं उसके विषय में आप सोचिएगा। चलिए मैं गुण की बात करती हूँ। गुण, वैदिक शिक्षा प्रणाली का गुण, आर्थिक प्रबंध, मीन्स जो भी धन था वो किसके द्वारा व्यय किया जाता था, वो या तो भिक्षा के द्वारा आता था या तो राजा महाराजाओं के द्वारा दान दिया जाता। तो इस तरह से एक आर्थिक प्रबंध, स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान शिक्षा के अवसर भी थे उपलब्ध, साथ ही साथ गुरु शिष्यों की परंपरा भी हमें देखने को मिलती थी। इस तरह से ये कुछ मुख्य गुण हैं जो कि मैंने विशेषताएं उद्देश्य में आपको बता रखे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोष। दोष में इसका सबसे पहला दोष है जातिवाद की नींव पड़ना। उपनयन संस्कार में या इससे पहले भी मैंने बताया था ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्गों के लिए शिक्षा तो उपलब्ध थी, किंतु शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया जाता था या निम्न स्तर तक की शिक्षा ही सिर्फ प्रदान की जाती थी। इस तरह से हम वैदिक कालीन शिक्षा में देखे तो जातिवाद की नींव पड़ गई थी। साथ ही साथ शिक्षा का मनोवैज्ञानिक ना होना, क्योंकि शिक्षा उस समय कठोर दंड का प्रचलन था, साथ ही साथ छात्रों की रुचि योग्यता का ध्यान कम रखा जाता था, इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय की जो शिक्षा थी वो मनोवैज्ञानिक नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो था दंड का अत्यधिक प्रयोग। वैदिक काल में अगर कोई भी छात्र अनुशासन में नहीं रहता था तो उसे दंड भी दिया जाता था, जो कि मनोवैज्ञानिक नहीं था। मनोविज्ञान कहता है कि बालकों में दंड का प्रवेश निषेध है, मीन्स दंड बिल्कुल भी बालकों को नहीं देना चाहिए। तो ये कुछ मुख्य गुण और दोष थे जिसे आप खुद कंक्लूड करके निकालोगे, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ आपका वैदिक कालीन शिक्षा यानी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में बौद्धिक कालीन शिक्षा के साथ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।